सिद्धार्थनगर जिले के उसका थाना क्षेत्र के तैतरी खुर्द में एक 65 वर्षीय महिला का बाग में शव मिला। मृतक महिला का नाम स्वर्ण रेखा है और वो घर से 3 दिन से लापता थी। मृतका धानी बाजार जनपद महाराजगंज की मूल निवासी है। पिछले एक साल से वो उसका बाजार के तैतरी गांव में अपनी बहन के घर रहती थी। मृतक महिला के रिश्तेदार शैलेंद्र यादव ने बताया कि मंगलवार को रात 12 बजे मृतका बिना बताए आम के बागीचे में आम बीनने चली गई और फिर वापस नहीं लौटी। परिजन लगातार अपने स्तर पर उसकी खोज करते रहे, लेकिन जब उसका पता नहीं चला तो परिजनों ने कल थाना उसका बाजार में गुमशुदगी का रिपोर्ट भी दर्ज कराई। आज सुबह तैतरी प्राथमिक विद्यालय से सटे एक बाग के झाड़ियों के बीच काफी बदबू आने पर जब लोग वहां गए तो उन लोगों ने एक महिला का शव बहुत ही बुरी अवस्था में देखा। तत्काल इसकी सूचना स्थानीय लोगों और स्थानीय पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची भीड़ में इस शव की निशाक्त 4 दिन पहले गायब हुई 65 वर्षीय महिला स्वर्ण रेखा के रूप में मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस बारे में अपर पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि बागीची में एक वृद्ध महिला का शव मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों से पूछताछ की जा रही है। जैसे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी। मृतक महिला आपके कौन लगती है और ये घटना कैसे हुआ है? मृतक महिला हमारे साथ की बहन जिनका नाम स्वर्ण रेखा है और रात को 11 बजे ये घर से बागीचे में आम लेने आई। उसके बाद में 2-3 घंटा बीतने के बाद हम लोगों को जब लगा कि ये जिसमें जैसे तो बागीचे में आए डोरे। उसके बाद में 2-3 घंटा सुबह सुबह से फिर हम लोग 12 तारीख को थाने में एक सूचना भी दिया गुमशुदगी। फिर हम लोग घूमते रहे 13 तारीख को भी ढूंढे। 13 तारीख को ढूंढने के बाद फिर जो है आज सुबह 14 तारीख को गांव वाले ने कुछ लोगों ने बताया कि वहां से कुछ माँकने बदबू आ रही है। तो गांव वाले ने देखा कि जो है यहाँ स्वर्ण रेखा की लाश पड़ी हुई है। सूचना दिया। आपको लगता क्या है? हमको जो है सर हम मांग करते हैं कि इसकी उचित कार्रवाई हम लोगों को न्याय मिले। सिद्धार्थ नगर जनपद के थाना उसका बाजार ये तैतरी खुर्द गांव है, वहाँ एक वृद्ध महिला है जिसका शव प्राप्त हुआ है आज और उसको तत्काल पुलिस ने संज्ञान में लिया है, पंचायतनामा भर के और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अभी परिजनों से वार्ता की जा रही है और सभी परिस्थितियों की समीक्षा की जा रही है। जैसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।